पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पीएफआई पर बैन लगने पर सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता कशिश वारसी ने कहा है कि ये मेरी जंग थी और मेरे संगठन की लड़ाई थी और हम इस लड़ाई को बड़ी जिम्मेदारी से लड़ रहे थे। अगर इन्होंने देश के मुस्लिम युवाओं को गुमराह न किया होता तो आज इन्हें ये दिन देखने को न मिलते। हमें खुशी है कि सरकार ने आज इन पर कार्रवाई करते हुए पीएफआई को बैन किया है, जो संगठन देश के खिलाफ युवाओं को भड़का रहे हैं, जिहाद शब्द का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। हम ऐसे संगठनों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये बातें पीएफआई पर बैन लगाने के बाद सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता कशिश वारसी ने कही हैं। काश इन्होंने सही इस्लाम बताया होता, सही रास्ता दिखाया होता अपने मजहब के लोगों को, अपने कौम के लोगों को, तो आज इनको ये दिन देखने नहीं पड़ते। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया है। ये मेरी लड़ाई थी, मेरे संगठन सूफी इस्लामिक बोर्ड की लड़ाई थी। ये हमारी फतेह है, हमारे देश की फतेह है और हर नागरिक की फतेह है, क्योंकि ऐसे लोग जो अपने कौम के लोगों को गुमराह करें, देश के खिलाफ खड़ा करें, सही रास्ता नहीं दिखाएं, ऐसे हर संगठन को देश की सरकार को बैन कर देना चाहिए।